सुबह सुबह बन रही है मुंगोड़ी। ये मम्मी ने रात से मूंग भिगा के रख दी थी। मूंग की दाल है ना ये, हाँ। छिली वाली मूंग की दाल है, ये भिगा के रख दी थी। और मैं काट रही हूँ धनिया और इसमें मिक्स करेंगे थोड़ा सा अदरक। बस इसको मिक्स में पीस देंगे ना मम्मी, इसके अलावा तो कुछ मिक्स नहीं करना है। ये थोड़ा सा धनिया, हाँ। और अदरक को कोड़ देंगे, बस बस इससे भी जरा टेस्ट अच्छा आ जाता है। हाँ। और हल्का सा हींग भी डाल लो। अच्छा, तो मुंगोड़ी बन रही है यहाँ पर, तो मैं जल्दी से ना धनिया काट लेती हूँ। तो पहले मूंग को पहले अलग से पीस लोगे, उसमें डालोगे धनिया बाद में? हाँ, हाँ, जैसे बड़ी बना रहे हैं वैसे ही। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले ये मूंग को पीस लिया अलग से, फिर इसमें धनिया और वो अदरक बाद में मिक्स करा। हींग धनिया अदरक फिर बनाएंगे। मूंगोड़ी लग जाएगा, वाल लग जाएगा। इस बार हमने बढ़िया नहीं बनाई क्योंकि मौका ही नहीं मिला मम्मी लोगों को, कभी शुभ के साथ हॉस्पिटल में, कभी क्या कभी क्या, तो मौका नहीं मिल पाया। नॉर्थ लगे हैं, हाँ अभी नॉर्थ लगे, हाँ इसलिए बना रहे। अच्छा, वैसे वाले नॉर्थ लगे होंगे। और शुभिना अभी ठीक है, मतलब वो कल रात से थोड़ा ठीक है, रो नहीं रही है, थोड़ा सा स्वेलिंग भी कम हो गई, खुद ही कम हो गई। हमने कुछ ऐसा जुगाड़ वगैरह कुछ नहीं करा था, बस क्या करा था, पानी का सेक करा था हमने, नॉर्मल पानी जो होता है ना, उबला हुआ पानी जब ठंडा हो गया था उसका हमने सेक करा, उसी से ही फर्क हुआ फिर, है ना। हाँ। अब आज बढ़ जाए तो बात अलग है, आज देखते हैं क्या होता है। आज भी एक बार और सेक लूंगी मैं दिन के टाइम पे, क्योंकि रात को तो सेक नहीं सकते ना, ठंडा लगेगा, तो दिन के टाइम पे सेकूंगी। तो अभी सही है वो, अभी अम्मा के साथ है, बैठी है, अभी दिखाऊंगी आपको। पहले मैं किचन का काम कर लेती हूँ, फिर शुभ से मिलवाऊंगी आपको। ये देखो मम्मी ने इसमें धनिया अदरक दोनों मिक्स कर दिया है, ऐसे होता है बस, छोटा छोटा। कहाँ छत में जा रहे हो? छत में नहीं है, ट्रे में डालती हूँ, छत में ट्रे को रख दूंगी छत में। अरे हमारे पास स्टील की ट्रे थी। जरा सी तो है, थोड़ा सा ठीक है, ठीक है सर, ऐसे मिक्स कर देती हूँ। अब हींग डालेंगे इसमें, ट्रे भी ये लग चुका है, ताकि फिर निकालने के लिए आसान रहेंगे ना, तेल लगाने। अरे सर तो बहुत बड़ा बनाते थे, ये सूख के छोटी छोटी हो जाती है। शुभ शुभ, हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस, हेलो गाइस, मैं ठीक हूँ बोल दो। हेलो गाइस, हाँ अब मैं ठीक हूँ बोल दो। अब मैं ठीक हूँ। शुभ कल से अभी थोड़ा ठीक है, कल तो इसे काफ़ी पेन हो गया था, आज ठीक है थोड़ा। आज मेरे फेस में काफ़ी शाइन आ रही होगी ना, तो आज मैंने ये मास्क लगा रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें, तो ये गुड वाइब्स का है ये। तो चार मंगाए थे मैंने, एक मम्मी ने लगा लिया, एक मैंने लगा लिया। मैं नहाने जा रही हूँ, टाइम पता कितना हो गया है, 12 बजे। अभी तक शुभी के साथ थी मैं, शुभी को फीट कराया, शुभी के कपड़े चेंज करे, नहलाया नहीं ऐसे आज हमने। मेरी शुभ शुभ बोलो, आज मैं ठीक हूँ। और शुभी को ना स्वेटर पहना दी, क्योंकि जो अंदर का जो उसका टी शर्ट था ना वो हाफ था, तो स्वेटर पहना दिया। ये अपने आप खेलती रहती है। अम्मा छत में गई है, छत में आज हमने गेहूँ डाल रखे ना, तो अम्मा उनको देख रही है, और मम्मी किचन में काम कर रही, तो मम्मी से बीच बीच में देखती रहेगी। मैं तब तक नहा के आ जाती हूँ जल्दी से, तो फिर मेरी मालिश वाली भी आ जाएंगी। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। मम्मी शुभी को भी देखते रहना बीच बीच में। चलो फिर मैं नहाने जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, जल्दी जाओ फिर आ जाएंगी। हेलो दगड़ियो, नमस्कार। पहला आका और छोटे को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और कैसे आप लोग, उम्मीद कर लूँ कि सब लोग ठीक है ना। मैं बिल्कुल ठीक छूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में पूनम पंकज नेगी पे। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं उन्हें बता दूँ, मैं हूँ पूनम बिश्नेगी, उत्तराखंड के जिला नैनीताल कोटा बाग से। और आजकल मैं हूँ अपने मायके, मायका है मेरा हल्द्वानी। तो चलिए फिर आज के ब्लॉग को शुरू करते हैं। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं 2 बजे से। वैसे तो ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह ही हो गई है, लेकिन नहा धो करके मालिश करके अभी जाके फ्री हो रही हूँ मैं। तो चलिए फिर चलते हैं अंदर। हेलो, हाय, बाय बाय।
ये हमारी मालिश वाली भाभी शर्मा रही है। भाभी को शर्म लग रही है क्योंकि भाभी YouTube में फेमस हो रही है ना। अच्छी मालिश वाली है ये, अच्छी है, अच्छी अन्ना बहुत अच्छी मालिश करती है। तो आंटी लोग चले गए, हम लोग खा रहे हैं खाना। खाने में आज है आलू मूली की सब्जी। रोटी तो खाना पीना हो गया, अब चलते हैं सीधा छत में। छत पर दिखाती हूँ आज क्या कर रखा है। छत पर ना गेहूँ डाल रखे हैं हमारे यहाँ पे। गेहूँ धोते हैं, सुखाते हैं, फिर जाके पिसाते हैं। और ससुराल में क्या करते हैं, सीधा पिसा देते हैं। और इन दोनों में डिफरेंस पता क्या है, तो हम लोग यहाँ पे देखो ये धो करके सुखाने डाल रखे हैं। तो ये धो करके सुखाते हैं ना, इसमें मक्का भी मिला रखा है, दिखाओ आपको दिख रहा है। ये देखिए मक्का भी मिक्स कर रखा है। तो इसका जो आटा होता है ना वो थोड़ा काला लगता है मुझे, मतलब रोटियाँ इसकी थोड़ा काली होती हैं। और कोटा बाग में क्या है, बिना धोए पिसाते हैं तो उसकी उस मतलब उस गेहूँ की जो आटा होता है ना उसकी रोटियाँ सफ़ेद होती हैं, इसी हल्की काली हो जाती है। मतलब ये आटा एक ही उसी टाइम गूँधो, उसी टाइम रोटी बनाओ, बस उसी टाइम के लिए चलेगा। और रख के हम ये सोचेंगे फ्रिज में रख के बनाएंगे दोबारा रोटी, तो तब तक वो काला हो जाएगा, साफ पता चलेगा ये बासी आटा है। हाँ, और आज सुबह बड़ी बनाई थी मम्मी ने, मूंगोड़ी बनाई थी, मूंग दाल की बड़ी, तो वो यहाँ पे सुखाने के लिए डाल रखी है। ये देखिए छत पर उतनी चट वाली धूप तो नहीं है, लेकिन है धूप, उतनी चट वाली नहीं जैसे और दिनों आती ना, बहुत तेज वाली धूप, उतनी तेज धूप नहीं है आज। सही है ये कि गेहूँ सुखाने के लिए भी ठीक है और धूप में बैठने के लिए भी सही हो रहा है आज। चलो मैं तो छत में इसलिए आई थी ना कि कबूतर गेहूँ को खा जा रहे हैं, इसलिए मैं धूप में आई कि थोड़ा सा अगर आए हैं तो उनको भगाने के लिए आई। लेकिन फिलहाल तो कोई कबूतर नहीं आ रखे यहाँ ना, इतने कबूतर आते हैं ना, इसलिए छत में गेहूँ डालने के लिए मतलब देखने के लिए एक ना एक चाहिए चाहिए। जब भी हम छत में गेहूँ डालते हैं तो किसी को छत में बैठा देते हैं। अभी तक सुबह तक अम्मा बैठी हुई थी, फिर उसके बाद मम्मी आई, अभी मैं आई हूँ। क्योंकि मेरे बाल भी गीले थे तो मैंने कहा मैं गेहूँ भी देख लेती हूँ और कबूतर आए होंगे तो उन्हें भी भगा दूँगी। कबूतर ना बहुत आते हैं, आपको दिखाऊँ पीछे इतनी गंदगी कर रखी है ना। ये देखो आंटी की खिड़की ख़राब कर रखी है और ये देखो छत, ये सब कबूतरों का कमाल है। तो कबूतर तो मुझे ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, चलती हूँ नीचे। बाल भी मेरे लगभग सूख चुके हैं, धूप में ज़्यादा मन नहीं लगता है मेरा, या ज़्यादा ठंडा हो रहा था तब तो मैं धूप में बैठती, उतनी ठंड भी नहीं हो रही है। मम्मी पोछा लगा रही थी, अम्मा चल के आ गई इसमें से, मेरे को डांट रही है तेरे अम्मा। मम्मी शाम के कितने बजे, 4:15 बजे पोछा लगाने में लगी हुई है। शिबू अम्मा का मन नहीं लगा आपके बिना, अम्मा ना अम्मा को आदत हो गई है शुभी, अम्मा बहुत अच्छा मानती है शुभी को, तो इसलिए अम्मा थोड़ा आजकल निराश है क्योंकि शुभी की मालिश भी नहीं कर पा रही अम्मा। अब परसों से होगी शुभी की मालिश, ठीक है शुभू। तो मैं शुभी का ना काम कर रही थी, क्या काम कर रही थी कि शुभी का एक ये जो हिमालय का एक किट आ रखा है ना, ये नानी की तरफ से था शुभी की, तो अब इसमें ना मैं वो सामान रख रही हूँ जिसमें मैं शुभी का रोज वाला सामान रखती हूँ। शुभी का ना बहुत सारा सामान फैला रहता है, ये सारा सामान ना शुभी का यहाँ बेड के ऊपर था तो अच्छा नहीं दिख रहा था सामने से ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें से जो जो यूज़ वाली चीज़ें हैं वो इसी में रखती हूँ, और जो मुझे डेली यूज़ में नहीं चाहिए उसको मैं एक पॉलीबैग में रख के संभाल दूंगी, जब चाहिए हो तब उसमें से निकाल दूंगी। तो चले फिर आज अभी ये काम करती हूँ मैं, शुभी तब तक खेल रही है। शुभ आप तब तक खेलो, मम्मा भी काम कर लेगी, ठीक है आप खेलो तब तक। शुभी को ना मैंने दो दो ब्लैंकेट उड़ा रखे हैं, सबसे नीचे ये गद्दी है शुभी की,
फिर ये वाला ब्लैंकेट है, ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला ब्लैंकेट से ऊपर से उड़ा रखा है। आप खेलो तुम तक। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि इस वाले किट में क्या हमें क्या क्या मिलता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये बेबी पाउडर मिलता है, ये रहा 200 ग्राम वाला है, ये 200 ग्राम का ये बेबी पाउडर मिलता है। और यह बेबी मसाज ऑयल, ये कितने का है, 100 ml का है ये। और यह है बेबी लोशन। ये सारी चीज़ों की ना मुझे अभी मतलब मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, 95 रुपीज़ का है, 100 ml का है ये। और यह है जेंटल बेबी शैम्पू, ये भी 100 ml का है। और ये है जेंटल बेबी वॉश, ये देखो इतनी सारी चीज़ें, 200 ml का है ये। और यह बेबी क्रीम है, बताओ 100 ml का ये भी है। और ये सारे रैशेज के लिए, हाँ डायपर रैश क्रीम है ये, जो डायपर पहनाने से किसी के रैशेज आ जाते हैं ना, शुभी के तो अभी तक नहीं आए, मैं रेगुलर से डायपर यूज़ करवा पहनाती हूँ तो अभी तक कोई रैश नहीं आए हैं, अगर आ जाएंगे तो इसके लिए क्रीम है ये। और शायद एक आध सामान में इसमें से ना वहाँ कोटाबाग छोड़ के आई हूँ, क्योंकि डबल सामान था। हाँ शॉप थे, दो शॉप थे और क्या था और मुझे याद नहीं आ रहा, दो तो शॉप आए थे इसमें, तो मैं वहीं छोड़ के आई हूँ। एक शॉप तो हमने निकाल रखा है इसके नहलाने के लिए। और ये बेबी वाइप्स आ रखे हैं हिमालय के, इसमें इतना सारा सामान आया हुआ है। और ये ऐसी छोटी मोटी ऐसी हैं, ये हिमालय प्रोडक्ट के बारे में बता रखा है। तो अब ये ना मैं रेगुलर इसको यूज़ करूँगी, इसका सारा सामान जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो इसमें आएगा। तो वाइप्स तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ, ये लिटिल्स वाली आती है ना, ये वाली यूज़ करती हूँ। ये ख़त्म हो जाएंगी तो फिर ये वाला यूज़ करूँगी। फिलहाल तो मैं जब से शुभी हुई है तब से यही वाला यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे नीचे पहले इसको रखूँगी। और पाउडर मुझे डेली चाहिए होता है, एक दिन में 3-3 बार चाहिए होता है मुझे पाउडर। तो पाउडर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाउडर ना मेरा एक डब्बा ख़त्म हो चुका है, और ये इसमें आया हुआ था, इस वाली किट में आया था 200 ग्राम वाला, ये भी यूज़ में आ जाएगा। और पाउडर इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है इसीलिए मैंने इतना बड़ा मोट पूसा 700 ग्राम का ये मंगाया हुआ है। मुझे पता नहीं था कि ये वाला भी है, अभी 200 ग्राम का ख़त्म हुआ तो मैंने सीधा ये मंगा दिया था, फिर बाद में देखा मैंने ये भी है। तो कोई नहीं, ये ख़त्म हो जाएगा फिर आएगा ये वाला यूज़ में। तो इसे अभी मैं रख देती हूँ साइड में, क्योंकि अभी इसका कोई यूज़ नहीं है, खाली ना जगह घेर रहा है इधर, तो इसको रख देती हूँ इसमें। और डेली का शुभी को काजल चाहिए होता है, और शुभी के मैं आईब्रोज फिल करती हूँ इससे। तो ये छोटू सा एक मेरे पास पाउच है, इसमें रख देती हूँ इसे। और एक ये वाला पाउडर है ना, ये वाला, इसको ना मैं शुभी के ना ऐसे ऐसे जो नाभी होती है ना वहाँ पे लगाती थी मैं इसको, तो ये भी रख देती हूँ। एक डब्बा ये ख़त्म हो गया, बहुत ही अच्छा पाउडर है ये वाला, ये ख़त्म हो गया है, एक बचा हुआ है, इसको भी मैं इसमें रख देती हूँ। ये दो चीज़ें ये भी चाहिए होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें मिस हो जाती हैं, तो इसको इस पाउच के अंदर रख देती हूँ इसमें। और शुभी के ना जो नज़र का काला धागा होता है वो मैंने दोनों हाथों में तो पहना रखा है, पाँव के खोल देती है, ये देखो ये रखे हुए हैं, तो इनको भी ना इसी में रख देती हूँ मैं साइड पर, जब पहनाना होगा तब मैं पहना दूँगी, इसमें रख देती हूँ, वरना खो जाते हैं ना। और शुभी का एक मैंने किट ये बना रखा है, इसके अंदर शुभी के नेल कटर है, ये फाइलर है, और ये कैंची जैसी पता नहीं क्या है, इससे भी शायद नेल काटते हैं। और ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, ये इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है सब कुछ, लव लैब का है ये, तो इसको भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ, क्योंकि शुभी के ना नेल्स बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं, 3-4 दिन में मुझे काटने पड़ते हैं इसके नेल्स, ये भी मैं इसमें रख देती हूँ। और एक चाकू तो मैंने शुभी के बिस्तर के नीचे रखा हुआ है, एक चाकू और एक्स्ट्रा, तो इसको मैं इसके अंदर रख देती हूँ बस। बाकी शुभी के दो टॉयज़ हैं ये छमछम करने वाले, तो ये भी मैं इसके अंदर रख देती हूँ बस। और इसके अंदर ना मैं शुभी के दो हैंकी भी रख देती हूँ, कॉटन की हैंकी है, बहुत ही सॉफ्ट कॉटन है ये, दो तो निकले रहते हैं वैसे, लेकिन कभी ना दो मिलते नहीं एकदम से, शुभी क्या करती है वॉमिट टाइप का करती है, दूध निकाल देती है जिसे फीड कराती हूँ ना वैसे, कभी कभी इसको पछता नहीं है, तो जैसे फटा दूध नहीं होता है उस टाइप का निकाल देती है,
इमरजेंसी के लिए तो इस पर रख देती हूँ, क्योंकि कभी भी चाहिए होते तो पता नहीं मिलते नहीं है, जब मेन टाइम पे चाहिए होते हैं ना तो मिलते नहीं है, तो दो इमरजेंसी के लिए मैं इसमें रख रही हूँ, जब चाहिए होगा इसी से निकाल दूंगी। तो बस ये रहा शुभी का डेली वाला किट, बस जितना मुझे लगता है कि हाँ ये डेली यूज वाली चीजें हैं वो मैंने इसमें रखा हुआ है, और जो शुभी की मालिश का मस्टर्ड ऑयल है ना वो टेबल में रहता है इस वाले टेबल में। तो अभी शाम के टाइम पे मैं थोड़ा सा बाहर घूम रही हूँ, 5:30 हो गया है। अच्छा, अब तो दिवाली में फूल नहीं हुए, दिवाली के बाद इतने सारे फूल हो रहे हैं आजकल, दिखाओ आपको वो देखो, ये सारे फूल ही फूल हो रहे हैं। तो चलिए फिर आज के उस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, ओके बाय बाय।